आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। समाजवादी परिवर्तन रथ यात्रा लेकर गोरखपुर पहुंचे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव मीडिया से हुए रूबरू। कहा, समाजवादी पार्टी के साथ हो सकता है पार्टी का गठबंधन या विलय। 2022 में भाजपा को सत्ता से दूर करना है मुख्य मकसद। बेसिक शिक्षा विभाग ने की बड़ी कार्रवाई। लगातार अनुपस्थित रहने और आचरण ठीक नहीं होने के कारण 4 शिक्षकों को किया गया निलंबित। 28 शिक्षकों का अग्रिम आदेश तक वेतन अवरुद्ध करने के दिए निर्देश। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने दी जानकारी। एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा ने गुरुवार की सुबह एनडीआरएफ की बोट से राप्ती तट के गुरु गोरक्षनाथ घाट सहित अन्य घाटों का किया निरीक्षण। सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। कहा, लोगों के सहयोग से छठ पूजा सकुशल हुआ संपन्न। जनपद वासियों को दी छठ पूजा की शुभकामना। गुरुवार को मीडिया से रूबरू होते हुए समाजवादी पार्टी के एमएलसी ने कहा, 13 नवंबर से गोरखपुर से शुरू होगा समाजवादी विजय रथ यात्रा। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव करेंगे नेतृत्व। कुशीनगर रवाना होगा समाजवादी विजय रथ। 16 से 30 नवंबर तक भाजपा किसान मोर्चा पूरे प्रदेश में निकालेगी ट्रैक्टर रैली। मऊ जनपद से 16 नवंबर को होगा रैली का शुभारंभ। भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कामेश्वर सिंह ने दी जानकारी। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव के नेतृत्व में समाजवादी परिवर्तन रथ यात्रा गुरुवार को पहुंचा गोरखपुर। पार्टी कार्यकर्ताओं ने अपने नेता का किया भव्य स्वागत। शिवपाल ने कहा, सरकार बनी तो स्नातक पास करने वालों को मिलेगा 5 लाख, प्रत्येक परिवार के एक बेटा या बेटी को मिलेगी सरकारी नौकरी। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार नवंबर माह में किया जा रहा है मतदाता पुनरीक्षण का कार्य। जिलाधिकारी ने कहा, 1 जनवरी को 18 साल की उम्र पूरा करने वाले बीएलओ से संपर्क कर बन सकते हैं वोटर। मंडलायुक्त की अध्यक्षता में संपन्न हुई शहीद अशफाक उल्ला खान प्राणी उद्यान चिड़ियाघर के सोवीनियर शॉप के आवंटन संबंधित बैठक। ऑनलाइन जुड़े रहे तीनों जनपद के अधिकारी। ओडीओपी के तहत बनाए गए 6 दुकानों का किराया निर्धारित करने पर हुई चर्चा। सूर्य उपासना के महापर्व छठ में शामिल हुई विधायक संगीता यादव। कहा, अन्य त्योहारों की अपेक्षा लोगों में बढ़ी है छठ पर्व की आस्था। दीपावली की रात नवीन महवा मंडी में हुई आगजनी की घटना से प्रभावित व्यापारियों को मंडी परिषद के द्वारा 17 व्यापारियों में 31,49,300 रुपए का दिया गया मुआवजा। व्यापारियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तथा जिला प्रशासन सहित मंडी समिति को व्यक्त किया आभार। जनपद में जिला अस्पताल सहित 71 केंद्रों पर 8,582 लोगों को किया गया कोविड का वैक्सीनेशन। फर्स्ट डोज लेने वालों में 1,693 तथा सेकेंड डोज लेने वालों में 6,888 लोग रहे शामिल। सीएमओ ने नागरिकों से की अपील। कहा, अवश्य लगवाएं टीका जीत का। और लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा पर व्रती महिलाओं ने उदयगामी सूर्य को दिया अर्घ्य। पुत्र के लंबी उम्र की कामना। लोक कल्याण की मांगी मन्नत।